आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेलोफाइट्स। आज हम थर्ड टाइप जो है वो प्लांट की पढ़ेंगे, हेलोफाइट्स। इससे पहले हम दो टाइप्स जो हैं वो प्लांट्स की पढ़ चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने हाइड्रोफाइट्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने ज़ीरोफाइट्स के बारे में पढ़ा। आज हम तीसरी किस्म जो है वो पढ़ेंगे, हेलोफाइट्स। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि हेलोफाइट्स क्या है। जिस तरह हमने देखा था कि हाइड्रोफाइट प्लांट्स जो हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ज़ीरोफाइट प्लांट्स जो हैं वो ड्राई एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह अगर हम हेलोफाइट्स की बात करें कि ये प्लांट्स किस किस्म के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, तो हेलोफाइट्स क्या हैं? दोज प्लांट्स डैट लीव इन सी वाटर एंड आर अडेप्टिड टू साल्टी एनवायरनमेंट। के हेलोफाइट्स क्या हैं? हेलोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर में, समंदर के पानी में जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें साल्ट्स की मिकदार जो है वो ज़्यादा होती है और वाटर की मिकदार जो है वो कम होती है। तो हेलोफाइट्स क्या हैं? हेलोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं? सी वाटर में पाए जाते हैं। तो दरअसल इसकी डेफिनेशन यहाँ तक ही पूरी हो जाती है। वो प्लांट्स जो समंदरी पानी में पाए जाते हैं उन्हें हम हेलोफाइट्स का नाम देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्लांट्स सी वाटर में क्यों पाए जाते हैं, कि इस साल्ट एनवायरनमेंट में क्यों पाए जाते हैं? अल्टीमेटली इन प्लांट्स के पास कुछ ऐसी अडेप्टेशंस हैं, ये प्लांट इस काबिल हैं कि ये साल्टी एनवायरनमेंट में जो हैं वो पाए जा सकते हैं। तो हेलोफाइट्स क्या हैं? वो प्लांट्स जो साल्टी एनवायरनमेंट में, जो समंदर के पानी में पाए जाते हैं, जो सी वाटर में पाए जाते हैं, उन प्लांट्स को हम हेलोफाइट्स का नाम जो है वो देते हैं। अब जब ये प्लांट्स, क्वेश्चन ये है कि जब ये प्लांट्स सी वाटर में मौजूद होंगे, साल्टी एनवायरनमेंट में मौजूद होंगे, तो इन्हें किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा? तो इसको हम डायग्रामेटिकली जो हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास जो है एक हेलोफाइट प्लांट है। ये एक हेलोफाइट प्लांट है जो कि एक ऐसे एनवायरनमेंट में मौजूद है जिसमें वाटर की निस्बत जो है, यहाँ पर वाटर की मिकदार कम है और साल्ट की मिकदार जो है वो ज़्यादा है। तो ऐसे एनवायरनमेंट को हम साल्टी एनवायरनमेंट का नाम देते हैं। तो अब देखिए, बाहर पानी की मिकदार क्या है? कम है। तो अंडरस्टूड है, प्लांट की बॉडी में पानी की मिकदार क्या होगी? ज़्यादा होगी। याद रखें, जब एक तरफ चीज़ कम होगी तो दूसरी तरफ चीज़ ज़्यादा होगी। जैसे कि यहाँ पर बाहर साल्ट ज़्यादा हैं, तो अंडरस्टूड बात है कि प्लांट की बॉडी में साल्ट की मिकदार क्या होगी? कम होगी। अब हमने देखा ये एक हेलोफाइट प्लांट है, क्योंकि ये प्लांट किस जगह पर मौजूद है? ये एक साल्टी एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है। अब हमने देखना ये था कि अगर एक हेलोफाइट प्लांट सी वाटर में मौजूद है तो उसे किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम इसको देखें, तो चूंकि पानी जो है वो अंदर ज़्यादा है, तो पानी क्या करेगा? ऑस्मोसिस के ज़रिए जो है वो बाहर जाना शुरू कर देगा। तो वाटर, ड्यू टू ऑस्मोसिस, वाटर स्टार्ट्स टू मूव आउटसाइड द सेल। और साल्ट्स की अगर हम बात करें, तो साल्ट्स बाहर से प्लांट की बॉडी में जो है वो दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। नतीजतन क्या होगा? वाटर लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे, हेलोफाइट्स को क्या करना पड़ेगा। हेलोफाइट्स वाटर मूव आउट फ्रॉम प्लांट बॉडी। वाटर जो है वो बाहर निकलना शुरू कर देगा प्लांट बॉडी बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के ज़रिए, बाय ऑस्मोसिस। एंड ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ साल्ट्स एंटर इनटू बॉडी, दूसरी तरफ साल्ट्स बॉडी के अंदर जो हैं वो दाखिल होना शुरू हो जाएंगे।
तो हेलोफाइट प्लांट्स को क्या प्रॉब्लम होगी? हेलोफाइट प्लांट्स में बाहर से, एक तरफ बाहर से साल्ट्स बॉडी के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएंगे, जिससे बॉडी में साल्ट की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए जो है वो बॉडी से बाहर जाना शुरू कर देगा, जिससे बॉडी में पानी की मिकदार कम होना शुरू हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। अब ये प्लांट्स फिर इस एनवायरनमेंट, तो नतीजतन जिस एनवायरनमेंट में ये पाए जाते हैं, ना ही इनकी बॉडी में वाटर जो है वो एडजस्ट, वाटर जो है वो अपने सेम लेवल पे रह सकता है, ना ही साल्ट सेम लेवल पे रह सकती है, क्योंकि वाटर बाहर जाना शुरू कर देता है और साल्ट्स बाहर से बॉडी में दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये प्लांट्स क्या करते हैं, इन प्लांट्स की कोशिश होती है कि ये जो पानी जो बाहर जा रहा है, ये किसी वजह से जो है वो बाहर ना जाए। उसके लिए प्लांट्स क्या करते हैं, हम उसको जो है वो स्टडी करते हैं। इसके लिए हम अगेन जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है हमारे पास एक हेलोफाइट जो है वो प्लांट है। आप जानते हैं प्लांट बॉडी सेल से बनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप जानते हैं प्लांट सेल्स के सेंटर में एक ऑर्गेनेली मौजूद होती है जिसे हम वैक्यूल कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ चीज़ों की स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमने वैक्यूल जो है वो ड्रा कर लिया है, दिस इज़ वैक्यूल, वैक्यूल। अब ये प्लांट्स करते क्या हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, जब बाहर से साल्ट जब बॉडी में दाखिल होता है, बाहर से साल्ट जब बॉडी में दाखिल होता है, तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उस वाटर को अपने वैक्यूल में, उन साल्ट्स को अपने वैक्यूल के अंदर स्टोर करना शुरू कर देते हैं। अब याद रखें, प्लांट्स में ज़्यादातर जो वाटर होता है वो वैक्यूल के अंदर मौजूद होता है। ये जो वाटर बाहर जा रहा है, ये वाटर दरअसल प्लांट्स में वैक्यूल के अंदर जो है वो मौजूद होता है। अब ये प्लांट्स क्या करते हैं कि जब बाहर से जब साल्ट बॉडी में दाखिल होता है, तो बॉडी में दाखिल होने के बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, इस प्रोसेस के ज़रिए ये क्या करते हैं, साल्ट को बॉडी से अपने वैक्यूल्स में स्टोर करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होगा, वैक्यूल के अंदर साल्ट की मिकदार जो है, वैक्यूल के अंदर साल्ट की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब जब बढ़ना शुरू होगी, तो इसके अंदर जो वाटर मौजूद होगा वो कभी भी जो है वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं, याद रखें स्टूडेंट्स, वाटर हमेशा उस जगह की तरफ मूव करता है जहाँ पर साल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है। तो जब प्लांट्स वैक्यूल में साल्ट्स को ज़्यादा स्टोर करना शुरू कर देंगे तो वाटर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकेगा, क्योंकि यहाँ पर साल्ट की मिकदार क्या होना शुरू हो गई है, ज़्यादा होना शुरू हो गई है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको अगर हम, ये जो प्लांट की अडेप्टेशन है इसको अगर हम देखें, तो प्लांट्स क्या करते हैं, व्हेन साल्ट एंटर इनटू बॉडी बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हम इसको कॉन्सेप्चुअली जो है वो लिख रहे हैं, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट दीज साल्ट्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। अब याद रखें, वैक्यूल की ये जो दीवारें होती हैं, ये सेमी परमीएबल होती हैं, ये साल्ट को बाहर नहीं निकलने देती, जिससे अंदर जो होता है वैक्यूल के अंदर साल्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट बन जाता है। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या, जिस पे साल्ट की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पानी, क्योंकि हमने कहा पानी हमेशा उस जगह की तरफ मूव करता है जहाँ पर साल्ट ज़्यादा होते हैं, तो जब वैक्यूल के अंदर साल्ट ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, तो पानी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकेगा। जब पानी बाहर नहीं जाएगा, तो बॉडी में पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा ही रहेगी, बॉडी में पानी की मिकदार ज़्यादा रहेगी। तो इन स्टोर्ड इन टू वैक्यूल सो डैट एनवायरमेंट बिकम, वैक्यूल के अंदर स्टोर करना शुरू हो, ताकि एनवायरमेंट जो है वो क्या हो जाए, हाइपरटोनिक हो जाए। एज अ रिजल्ट, जिसका नतीजा क्या निकलेगा, एज अ रिजल्ट वाटर डोंट मूव आउट, जिससे पानी जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, और इस तरीके से ये प्लांट्स जो हैं वो अपनी बॉडी में
पानी की कमी को जो है वो पूरा करेंगे, उसको बाहर निकलने से जो है वो रोक देंगे। अब जाहिर सी बात है जब पानी बहुत ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली साल्ट की मिकदार जो है वो, जब पानी बहुत ज़्यादा होगा तो साल्ट उसमें मिक्स होना शुरू हो जाएगा, जब साल्ट मिक्स होगा तो साल्ट की मिकदार क्या होना शुरू हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यूँ इस तरह ये प्लांट्स अपनी बॉडी में वाटर और साल्ट्स को एडजस्ट करते हैं, यही वजह है कि ये साल्टी एनवायरनमेंट में बड़ी आसानी से जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो सी ग्रासेस, समंदरों के अंदर बहुत सारी ग्रास जो है वो मौजूद होती है, जो कि ओशंस के अंदर, डीप ओशंस के अंदर मौजूद होती है, वो इस तरीके से जो है वो अपने आप को सर्वाइव। हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स और आज के लेक्चर में हमने हेलोफाइट्स के बारे में पढ़ा। इसके हवाले से अगर हम पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस को देखें तो एक एमसीक्यूज़ है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूरा आ चुका है। तो एग्जांपल ऑफ हाइड्रोफाइट प्लांट के, हाइड्रोफाइट प्लांट की एग्जांपल दें तो एक ही एग्जांपल हमने बुक में पढ़ी थी, डैट इज़ वाटर लिली, कंवल का फूल, वाटर लिली। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वो कहता है डिफाइन हाइड्रोफाइट्स, गिव एग्जांपल हाइड्रोफाइट्स क्या हैं, डेफिनेशन लिखेंगे और सिंपल एग्जांपल देंगे। व्हाट आर हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स क्या हैं जो आज हमने पढ़ा, आप डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। उसके बाद है व्हाट आर सकुलेंट ऑर्गन्स, गिव एग्जांपल, सकुलेंट ऑर्गन से क्या मुराद है, इसकी मिसाल दे। उसको हमने यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में लिया है क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा मैनेज करना है, थोड़ा सा तरतीब देकर हमने जो है वो लिखना है। उसके अलावा ये टॉपिक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ चुका है। अब सकुलेंट ऑर्गन्स क्या हैं, मिसाल दें, तो इस तरह हम इसको मैनेज करेंगे। तो हमने कहा कि ज़ीरोफाइट्स में जो तना और जड़ होते हैं उसमें ख़ास किस्म के पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो कि पानी को स्टोर करते हैं, जिससे तना और स्टेम वेट हो जाती हैं, गीले हो जाते हैं, रस भरे हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम सकुलेंट ऑर्गन्स कहते हैं। एग्जांपल भी हमने आगे मेंशन कर दी। तो हमने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, सकुलेंट ऑर्गन्स क्या हैं उसकी मिसाल याद रहे, चूँकि डेफिनेशन है तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में जो है वो लाजमी लिखेंगे। इसके साथ साथ जब हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये सकुलेंट ऑर्गन्स आर कॉल्ड सकुलेंट ऑर्गन्स, तो इसको या तो मार्कर से लिखें या इसको मार्कर से अंडरलाइन कर दें। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी इसको आपने मार्कर से या तो लिखना है या अंडरलाइन करना है, तो इस तरीके से आपने इसको जो है वो मैनेज करना है।